आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट। आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सेक्स से संबंधित सभी जानकारियाँ, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ हो, हाइजीन टिप्स हो, रिलेशनशिप हो या उससे जुड़ी कोई भी समस्या। तो आइए लेट्स टॉक खुलकर। हर्ष टॉपिक्स की लिस्ट में सेक्स और ड्रग्स के बाद अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है अल्कोहल। बड़ा ही अजीब रिश्ता है लोगों का अल्कोहल से। लोग इसे पीना भी चाहते हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं चाहते, और इन साइड इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए वो जो बन पड़ता है करते हैं। जैसे कि फिलहाल सोशल मीडिया पर ड्राई जनवरी ट्रेंड कर रहा है। नो शेव नवंबर की ही तरह लोग एक महीने के लिए अल्कोहल को डिच कर रहे हैं। इसके पीछे का थॉट ये है कि अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई होने और शराब के साइड इफेक्ट से उबरने का एक मौका दिया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग यानी लिमिट में पीते हैं तो भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। वो गजल भी है ना कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। लेकिन सवाल यह है कि ये थोड़ी कितनी थोड़ी है। पता करेंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई सेफ लिमिट है जिसे पीकर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर शराब आपके शरीर में जाकर करती क्या है। शराब के विलन कंटेंट का नाम है एथेनॉल। इसी मॉलिक्यूल की वजह से होता है हैंगओवर। एथेनॉल हर शख्स पर अलग अलग असर डालता है। ये आपके वजन, जीन्स और उम्र जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब भी आप शराब पीते हैं तो 20% अल्कोहल आपके पेट में और 80% छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है। शराब शरीर पर कितना असर करेगी ये बात पेट खाली और भरे होने पर भी निर्भर करता है। खाली पेट की तुलना में भरे हुए पेट में अल्कोहल की लगभग 1/3 मात्रा ही छोटी आंत में पहुँच पाती है। ऐसे में हैंगओवर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। छोटी आंत में जाने के बाद अल्कोहल जाती है आपकी ब्लड स्ट्रीम में और वहां से पहुंचती है लिवर में। आपने सुना होगा कि अल्कोहल सबसे ज्यादा लिवर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हम खाते हैं, अच्छा या बुरा, दोनों तरह की न्यूट्रिएंट्स लिवर के पास पहुंचते हैं। ये शरीर का एक स्टोर रूम है जहाँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। लिवर शरीर में पहुंचने वाले खराब तत्वों को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और इन्हीं में से एक है अल्कोहल। ये पहले अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलता है और फिर पानी और CO2 में। लेकिन लिवर की डिटॉक्स करने की क्षमता भी सीमित है। अगर शराब की मात्रा बहुत ज्यादा है तो लिवर अपना बाकी काम छोड़कर शराब को ही फैट के रूप में जमा करने लगता है, और यही कारण है कि लोगों को कुछ समय बाद फैटी लिवर की समस्या होने लगती है। हालांकि अगर शराब पीने वाला शख्स एक महीने भी शराब से परहेज करे तो लिवर अपने आप ठीक होने लगता है। लिवर के बाद अल्कोहल शरीर के जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा असर डालता है वो है आपका दिमाग। लिवर के बाद जब अल्कोहल दिमाग में पहुंचता है तो ये यहाँ मौजूद न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कत पैदा करता है। ऐसे में सब कुछ स्लो होता नजर आता है। न्यूरॉन्स के सिग्नल रिसीव करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसका कारण है ब्लैकआउट। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता और दर्द भी कम महसूस होता है। यही कारण है कि टूटे दिल का दर्द कम करने के लिए और अपने एक्स को भुलाने के लिए लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं। हालांकि सुबह होने पर अल्कोहल का असर भी चला जाता है और दर्द भी वापस आ जाता है। दूसरे ड्रग्स की तरह अल्कोहल भी दिमाग में हैप्पी हॉर्मोन्स डोपामिन को बढ़ाता है, जिससे आपको तुरंत अच्छा महसूस होने लगता है। उन्होंने दिमाग को इसकी लत लग जाती है और यही कारण है कि शराब का सेवन रोकने पर दिमाग को उसकी तलब होने लगती है। इसी के साथ अल्कोहल पेट की लाइनिंग और आंतों में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाकर उन्हें डैमेज करता है। इसके सेवन से पेट खाली होने का प्रोसेस भी धीमा हो जाता है, जिससे पेट में ज्यादा एसिड बनने लगता है। यही कारण है कि शराब की ज्यादा सेवन के बाद पेट खराब हो जाता है। इसी के साथ जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्याएं भी होने लगती है। यही नहीं, अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी पर भी असर डालता है। जो लोग लगातार शराब पीते हैं उन्हें बीमारी होने का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। इसी के साथ अल्कोहल आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाकर रखता है। एक रिसर्च की माने तो जो लोग लगातार अल्कोहल पीते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। आपके दिल पर शराब का असर पीने के कुछ ही मिनटों पर शुरू होता है और 24 घंटे तक रह सकता है। शराब आपके केवल बॉडी पार्ट्स ही नहीं बल्कि आपके हॉर्मोन्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। अल्कोहल का असर शरीर के हॉर्मोन्स पर भी पड़ता है। इन्हीं में से एक है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल दिन भर में काम करने के लिए आपके शरीर को अलर्ट रखता है, लेकिन शराब के सेवन से इस हॉर्मोन में गड़बड़ होने के कारण नींद ज्यादा आती है
और थकान भी महसूस होती है। दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन, जो कि किडनी की ओर से बनने वाली यूरिन की मात्रा को कम करता है। अल्कोहल वैसोप्रेसिन को कम करता है, जिससे लोगों को बार बार पी करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है और शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। यही कारण है कि शराब पीने के बाद मुंह सूखने लगता है और डिहाइड्रेशन के बढ़ने से सिर दर्द भी हो सकता है। ऐसे में पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड ड्रिंक्स आपकी मदद कर सकती हैं। कि कितनी शराब पीना सेफ है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिन भर में महिलाओं को 12 ग्राम यानी एक छोटी बियर या फिर 200 ml वाइन जितनी और पुरुषों को इसका दुगना यानी 24 ग्राम से अधिक अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और ये मात्रा हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। औरतों के लिए ये मात्रा इसलिए कम रखी गई है क्योंकि पुरुषों की तुलना में समान मात्रा पीने पर भी औरतों पर शराब का असर तेजी के साथ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमूमन तौर पर महिलाओं के शरीर में खून कम और फैट ज्यादा होता है। कम खून में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इसे BAC यानी ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। तो अगली दफा अगर आप किसी औरत को झूमता हुआ देखें तो इसकी बहुत बहुत संभावना है कि वो नाटक नहीं कर रही है। एक जरूरी बात, आपने ये सुना होगा कि जो लोग रेगुलर पीते हैं उनकी कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। ये पार्टली सही भी है क्योंकि लगातार पीने से BAC को टॉलरेट करने वाले एंजाइम आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं, शराब को झेलने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे होता डैमेज एक समय के बाद आपके शरीर को बहुत बीमार बना देता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कम मात्रा में मद्यपान करने से कोई नुकसान नहीं होता है तथा कुछ विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि मद्यपान की कम मात्रा कई बीमारियों में के प्रिवेंशन में एवं उपचार में लाभदायक है। ये विषय एक तरह का डिबेट का विषय है तथा इसके बारे में एक राय नहीं है। 1 ग्राम भी अल्कोहल नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोगों में अत्यधिक मद्यपान करने के बावजूद भी किसी तरह की कोई व्याधि नहीं होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्ति अत्यधिक मद्यपान करने से सेफ रहेंगे या बच जाएंगे। ये व्यक्ति की अनुवांशिकता एवं विभिन्न जेनेटिक कारणों से कई व्यक्ति मद्यपान के दुष्प्रभावों से वंचित रह जाते हैं। मद्यपान से लीवर खराब होना यानी सिरोसिस ऑफ लीवर, पेनक्रियाज का खराब होना यानी क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस एवं इसके बाद में डायबिटीज और पेनक्रियाज के कैंसर तथा आहार तंत्र के विभिन्न अंग तथा शरीर के अन्य अंग भी मद्यपान से प्रभावित होते हैं। मद्यपान के सेवन से चाहे डायरेक्ट कैंसर न होता हो, लेकिन अन्य कैंसर कारक तत्वों के साथ मिलकर मद्यपान कैंसर का एक प्रमुख कारण बन जाता है। महिलाओं में एवं पुरुषों में मद्यपान की अलग मात्राएं सुरक्षित मानी गई है। मद्यपान के बारे में ये धारणा की वाइन के सेवन से हार्ट अटैक नहीं होता है, मद्यपान से कई तरह के फायदे होते हैं, ये एक तरह का संदेहास्पद और अविश्वसनीय वाक्य है। इसके बारे में संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, यकीनन शराब आपको कुछ देर के लिए कामिंग इफेक्ट और हैप्पी हार्मोन्स देती है, लेकिन इसके लिए आप योगा, एक्सरसाइज, धूप में बैठना और अच्छी डाइट का सेवन भी कर सकते हैं और इसके इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी पर लॉन्ग टर्म रहेंगे। समझिए, अगर आप एक शॉर्टकट लेते हैं तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही होगी। तो अगली बार पीयर प्रेशर, ब्रेकअप या फिर किसी और बहाने से शराब का ग्लास उठाने से पहले इन बातों पर जरूर गौर करें। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।